लिए खोल के आए। देखिए, जो बाबा सरकार का उर्स है, उर्स का मतलब होता है शादी। चूंकि बाबा सरकार, जैसा हम लोग मानना है कि आप पर्दा किए हैं, हम लोग रोशनी से ओझल हो चुके हैं, और हर साल इनका जो उर्स मनाया जाता है, 6 रोज का उर्स होता है। आज उर्स का 3रा रोज है, और चूंकि बाबा सरकार को महफिले समा बहुत पसंद थी, आप जब समा होती थी तब वज में आके कभी हारमोनियम के ऊपर बैठ जाते थे, इसलिए उनकी महफिल समा पसंद होने की वजह से हम लोग भी उनका ख्याल करते हुए पूरा 6 दिन में 3 रोज हम लोगों ने महफिल समा रखा है। आज महफिल समा की 2री रात है। आज हमारे हिंदुस्तानी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट जो अनवर साबरी साहब हैं, फिरोजाबाद यूपी से तशरीफ लाए हैं, और दूसरे आर्टिस्ट जनाब जहीर मियाँ साहब हैं उत्तरांचल से, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। और ये कव्वाली कोई मुकाबला कव्वाली नहीं होता, ये बाबा सरकार के शान में कव्वाली पढ़ी जाती थी। और जो उर्स है, मैं ये कह सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान का राजा राजस्थान के अजमेर में बैठे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के राजा आज लुत्रा शरीफ में है। आज आप देख सकते हैं कि कौमी एकता का मिसाल हर धर्म और मजहब को मानने वाले। अभी आपको बताऊं कि शाम को 6:30 बजे हमारे यहाँ चादर और खराज अकीदत पेश करने के लिए जो नैला जाजिर के डीजे महोदय हैं संदीप बख्शी साहब, वो खुद आए थे और उन्होंने भी बताया कि बाबा सरकार का बहुत करम है हमारे ऊपर में। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार का करम और फैज ऐसा है कि पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों के ऊपर उनका फैज जारी है। और उसी, क्योंकि ये उर्स में एक ऐसा रहता है कि सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जिनकी जो भी मन्नतें रहती हैं या जिनकी जो मुरादें पूरी हो जाती है, सभी लोग इकट्ठा होकर जिसकी मन्नतें मानना मन्नतें मानते हैं, और जिसकी मुरादें पूरी हो जाती है, मुराद पूरा होने के बाद उसको सरकार के आस्थाने पर जो भी अपनी मन्नतें रहती है वो आगे पूरा करता है। मेले में हर जगह से लोग आए हुए, मेले के लिए किस तरह की तैयारी और कितने दिनों से आपने तैयारी कर रखी है? देखिए, मेले में छत्तीसगढ़ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, और आपको बताऊँ नाइजीरिया से भी कुछ लोग आए थे। तो मैं ये कहता हूँ बाबा सरकार की प्रसिद्धि ख्याति जो है पूरी दुनिया में है, और पूरी दुनिया के लोग इनसे फैज ले रहे हैं। तैयारी की बात आप कर रहे हैं, तैयारी हम क्या करते हैं, जिनका उर्स है, जिनकी शादी है, खुद तैयारी करवा लेते हैं। हम तो एक जरिया है, और इस जरिया की वजह से हमारा भी ये रहता है कि भाई चलो बाबा साहब हमारे ऊपर भी निगाह करम कर देंगे और हमारी भी किस्मत संवर जाएगी। मैं पूरे हिंदुस्तान के आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश ये सूफी संतों का देश है, और आज हर मजहब और मिल्लत के मानने वाले लोग इसी सूफी संतों के, जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उसी उन्हीं संतों के आशीर्वाद से, उन्हीं संतों के दुआओं से, उन्हीं सूफियों के दुआओं से हम पूरे हिंदुस्तान में अमन शांति है और हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये सब हिंदुस्तान में जो सूफी संत हैं उनकी दुआओं का असर है। बाबा सरकार का उर्स मुबारक महीना है ये, जिसे हर मुराद पूरी होती है। लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ जो भी आया खाली हाथ नहीं गया है, और
इसका अजाब सबको मिलता है, यहाँ कोई खाली हाथ नहीं गया है। बाबा सरकार सैयद इंसान अली बाबा का छत्तीसगढ़ के शहंशाह के नाम से जाना जाता है, और जो कि हर कोई इस दरबार पर अपने माथे टेकने आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। मैं भुट्टो राज, सदस्य उर्स कमेटी।